नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रुबदरगढ़ और आप देख रहे हैं रुबदरगढ़ फिटनेस। आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि बॉडी बनानी है तो कौन सा प्रोटीन ले। बहुत पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन कि सर मेरे पास 4000 रुपए हैं, मेरे पास 5000 रुपए हैं, तो हम कौन सा प्रोटीन ले। तो जैसा कि आप मेरी बेटे की मेज पे देख रहे हो, कुछ सामान रखा हुआ है जिसमें वे प्रोटीन है, चिकन ब्रेस्ट है और पनीर है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सा प्रोटीन बेस्ट है आपकी बॉडी बनाने के लिए। यही टॉपिक आज हमारी वीडियो का, क्योंकि YouTube पे जनरली वो लोग वीडियो देखते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं या जिन्हें जो बिगिनर्स है, जो कुछ सीखना चाहते हैं और ज्यादातर कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सप्लीमेंट खरीद सके। तो वो आजकल उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि आप पैसे इकट्ठे करो और एक वे प्रोटीन का डब्बा लो या एक गेनर का डब्बा लो और आपकी बॉडी उसे बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, आज मैं आपको वीडियो में सच्चाई बताना चाहता हूं कि आप गुमराह हो रहे हैं प्रोटीन के चक्कर में। अगर आपके पास पैसे लिमिटेड है तो आप वे प्रोटीन खरीदने की बजाय फूड खरीदिए। अब सपोज करो मैंने ये प्रोटीन खरीदा, आपने प्रोटीन खरीदा और ये आपने पैसे कैसे कैसे जोड़ के 4000-5000 में एक सप्लीमेंट का डब्बा लिया जिसकी एक सर्विंग में 25 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, एक डब्बा ये आपने परचेज किया, उसके बाद क्या, एक महीना चलेगा, 20 दिन चलेगा, डेढ़ महीना चलेगा, आपके पैसे खत्म हो गए। अब क्या करेंगे, आपको फिर परचेज करना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर आपने ये लिया और ये नहीं खाया तो ये 5000 भी आपके वेस्ट गए। क्यों? क्योंकि आप कितना भी आर्टिफिशियल प्रोटीन ले ले, जो नेचुरल फूड है उसके बिना आपकी बॉडी इंप्रूव नहीं करेगी, चाहे वो कोई बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो कोई ओलंपिया खेलता हो। इसके बजाय नेचुरल फूड पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि वो हमारी बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है और वो चीप भी है। वे प्रोटीन यूज क्यों करते हैं, वे प्रोटीन यूज करते हैं इंस्टेंट रिकवरी के लिए, और हम फूड नहीं कंज्यूम कर पाते हैं या हम पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो इंस्टेंट प्रोटीन हम ले लेते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप कॉलेज जा रहे हैं, आपकी पॉकेट में पैसे कम है, तो मेरी सलाह है प्रोटीन खरीदने के बजाय फूड पे खर्च करें। 5000 रुपए आपने लिए और 5000 रुपए आप फूड पे करोगे तभी भी आपको हर महीने आप परचेज नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम पे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, सर 500 रुपए कम है और मेरे पास 4000 रुपए है, मेरे पास 3000 रुपए है, तो मैं कौन सा प्रोटीन लूं और जिससे मेरा साइज बढ़ जाए, जिससे मेरा मस्कुलरिटी बढ़ जाए। तो मैं सबको यही सलाह देता हूं, इंडिविजुअल मैं सबको टाइप करने के बजाय मुझे ये बहुत अच्छा टॉपिक लगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। आप 6 मील पे खर्चा कीजिए, आप उस 5000 रुपए में एक अच्छी मील ले सकते हैं जिससे आपकी बॉडी ग्रो हो सकती है। इसकी बजाय आप इस पे जाइए, आप चिकन, अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन लीजिए, आप वेजिटेरियन हैं मिल्क लीजिए, पनीर लीजिए, और भी बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन आप इस पे खर्च मत कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप इंटरमीडिएट है या आपकी जेब अलाउ करती है तब आप वे प्रोटीन खरीदिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप नेचुरल डाइट पे खर्चा करें। मैं पर्सनली भी अगर वे प्रोटीन कैसे यूज करता हूं, पोस्ट वर्कआउट में 20 ग्राम नाइट रिकवरी के लिए और एक स्कूप सुबह। अगर जब मैं ये नहीं लेता था, जब मैं प्रोटीन परचेज नहीं करता था, यानी कि जब मैंने जिम शुरू किया उससे 5 साल तक, मैंने पोस्ट वर्कआउट भी नेचुरल फूड से लिया, प्री वर्कआउट भी नेचुरल फूड से लिया, मॉर्निंग मील भी, नाइट डिनर भी, सब कुछ मेरा नेचुरल फूड से होता है। एग, चिकन तो मैं अभी खाने शुरू किया है 2016 के बाद, पनीर, ये सारी चीजें खाता था, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, 2 लीटर दूध पीता था। तो नेचुरल फूड पे ज्यादा मैं खर्च करता है। अब मेरे पास 5000 रुपए है तो उसको अगर मैं 5000 रुपए उसको मैं प्रोटीन खरीदने की बजाय उससे मैं नेचुरल डाइट ही लूंगा, क्योंकि एक डब्बे से आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कहने की बात है कि आपने एक बार लिया आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपको एक बैलेंस डाइट बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपका गोल है मसल गेन करना या वेट गेन करना तो आपको कैलरीज उतनी लेनी ही पड़ेगी। खाली प्रोटीन का बॉक्स आपको परचेज करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी मेरे भाई वीडियोस देख रहे हैं,
जो भी मेरे भाई बिगिनर है जो जिम जाना शुरू किया है, अगर वो उनके पास पैसे नहीं है तो वे अभी सोचे भी ना प्रोटीन के बारे में। नेचुरल डाइट को आप जितना बढ़ाएंगे आपकी बॉडी उतना ही ग्रो करेगी, क्योंकि एवरेज जब आप शुरू करते हैं जिम जाना तो आपके नेचुरल जो ग्रोथ होती है वो 10 गुना फास्ट होती है। अगर आप कुछ साल देंगे अपनी बॉडी को, पेशेंस रखेंगे, नेचुरल डाइट देंगे, तो आप जब सप्लीमेंट पे आएंगे और आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको 10 गुना रिजल्ट मिलेंगे। बकायदा इसके बजाय अगर आप शुरू से ही प्री वर्कआउट BCA वे प्रोटीन पे खर्च करना शुरू करेंगे तो आपको आगे जाके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बस यही फर्क है एक अच्छी फिजिक में और एक खराब फिजिक में। बच्चे क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन पे ज्यादा टिके हुए हैं, उनका फोकस यही है, उनके दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि आपके पास अगर प्रोटीन का बॉक्स है तो ही आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। आज से 20 साल पहले जो एथलीट थे या जो गेम खेलते हैं, जो पहलवान थे, वो कोई वे प्रोटीन नहीं खरीदता था, वो सब एग, दूध, दही, घी और ये चिकन, ये सब खा के ही पहलवानी करते हैं, ये सब खा के ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आप आज से 1985 के आसपास भी जो बॉडी बिल्डर देखेंगे, 90s के आसपास भी देखेंगे, उस टाइम पे प्रोटीन का इतना सोर्स नहीं, इतना प्रोटीन, वे प्रोटीन मार्केट में इतना नहीं था। अभी ज्यादा इसका प्रचलन हुआ है, लेकिन हम अपने दिमाग में ये बात बिठा चुके हैं कि अगर हमने प्रोटीन का बॉक्स नहीं खरीदा तो हम बॉडी को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आज से ही इस वीडियो को अपने दिमाग में बिठा लें कि आपको प्रोटीन खरीदना है, जब ही खरीदे जब आप नेचुरल डाइट पे भी उतना खर्च कर सके जितना एक प्रोटीन के डब्बे पे आप खर्च करेंगे। यानी कि अगर आपने 5,000 रुपए का वे प्रोटीन या वे कंसेंट्रेट या आइसोलेट प्रोटीन खरीदा तो उससे ज्यादा आपको नेचुरल डाइट पे खर्च करना ही पड़ेगा। ये बात आप आज गांठ बांध लीजिए। तो मैं यही कहूंगा प्लीज इसके बजाय आप नेचुरल डाइट फोकस करें, और मैंने वो डाइट प्लान बना रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताऊंगा फुल डे ऑफ ईटिंग का, जो बॉडी बिल्डिंग में या जो नेचुरल गेन करने के लिए आपको बहुत सहायता होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, और बने रहे चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छी वीडियो है, अच्छा मुझे पॉइंट मिला इंस्टाग्राम से, और जो भी बारे जिस भी बारे में आपको जानकारी चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं अपडेट के लिए। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपके समझ में आए हो कि वे प्रोटीन की बजाय नेचुरल डाइट बहुत अच्छी है, और अगर आप अनुमान भी लगाएंगे तो 70, ये अभी 250 ग्राम है, आपको अगर आप मार्केट से खरीदोगे रो में तो आपको 100-120 में मिल जाएगा, और इसमें 75 ग्राम प्रोटीन है। वहीं इसके मुकाबले ये बहुत महंगा होता है, और दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंस, कोई भी एथलीट, कोई भी बॉडी बिल्डर, कोई भी साइंटिस्ट भी इसको प्रूफ नहीं कर सकता कि ये वे प्रोटीन से बेटर नहीं है, ये वे प्रोटीन से बेटर है। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, नेचुरल डाइट 100% बेटर है आर्टिफिशियल प्रोटीन से। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, ओवर एंड आउट।